रही है जैसे इलॉन मस्क की अगली गाड़ी आप बना रही हो। फिर क्या हुआ? दादी ने साफ मना कर दिया आगे पढ़ने से। तुम्हारा मसला क्या है यार? मैंने तुमने एक दफ़ा कह दिया है कि तुम आके पढ़ोगी तो तुम पढ़ोगी, मना लेंगे यार आहिस्ता आहिस्ता सबको, लेकिन तुम हर बार ही मोनालिसा की पेंटिंग बन के सबके सामने खड़ी हो जाओगी तो फिर नहीं, वैसे ही बहुत मसाइल। तो मैं शोहर हूँ तुम्हारा, तो क्या कहते हैं साची मजाजी खुदा, ये कहते हैं ना मिजाजी खुदा, ही कहते हैं ना। तो ये मिजाजी खुदा आपका ये कहता है कि उसकी बेगम इंजीनियर 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 बनेगी। अब प्लीज मेरा भी मुस्कुरा कर दो मिजाजी खुदा, तुमने इंजीनियर तुम अंदर हो, मैं देखता हूँ। स्टूपिड, क्या क्या कह रहे थे अभी? इंजीनियर बनाओगे? इस पढ़ाई ने इसका दिमाग खराब किया है। तुम अपनी जरा हद में रहो, जमीन पर रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम बजाय इसके किसको समझाओ, इसको शह दे रहे हो। हमारे घर की औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली है। इस घर की तमीज और तहजीब को तबाह करना चाहते हो? औरत जात को इंजीनियर बनाओगे, कल को फिर इससे नौकरी भी कराओगे, इसकी कमाई भी खाओगे तुम। ठीक है रे, ठीक है रे, हमारे घर की औरतें तो यहां सिर्फ मर्दों के हाथों जलील होने के लिए पैदा हुई। आपको आपकी तमीज और तहजीब मुबारक हो। एक बात बताए, यानी कौन सी क्लास में पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किधर जाती है, कुछ तो पता होगा। कभी स्कूल छोड़ने तो गए होंगे? नहीं, जैसे पहले कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ना, तो इस बार भी नहीं दिखा, बेहतर होगा। ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, दूर रहे। और अगर थोड़ी देर अगर हमें प्राइवेसी मिल जाती तो अच्छा होता, ठीक है? प्लीज थोड़ी देर। समेटो उसको। चले चले भी